नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे 2008 में आया धार्मिक सीरियल रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अंकित अरोरा से। अंकित अरोरा का जन्म नैनीताल में एक मध्यम परिवार में हुआ। पिता की एक छोटी सी रेडियो टेप की दुकान थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अंकित के पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बनकर घर में हाथ बटाए, लेकिन अंकित सिंगर बनना चाहते थे। इसके लिए वो घर वालों के ना चाहते हुए भी मुंबई आ गए, लेकिन माया नगरी ने उन्हें एक्टर बना दिया। रामायण सीरियल में अंकित अरोरा को लक्ष्मण के रोल में लोगों का बहुत प्यार मिला। उसके बाद अंकित ने एक दर्जन से ज्यादा सीरियल्स में काम किया। टीवी सीरियल रजिया सुल्तान, चक्रवर्ती, अशोक सम्राट, अलिफ लैला, फिर लौट आई नागिन में नागार्जुन का रोल और यीशु में शैतान का किरदार निभाया। तो वहीं फिल्म स्वीटी वेट्स एनआरआई में विलन की भूमिका निभाई। तो आज हम अंकित अरोरा से रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं लाइव अंकित अरोरा। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम बातें सितारों की में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंकित जी, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे जो 2008 में आया था धार्मिक सीरियल रामायण से, जिसमें आपने लक्ष्मण का किरदार निभाया था। रामायण के प्रति करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, और लोग इसको बहुत प्यार करते हैं। जब आपको पता चला कि आप इस सीरियल में, इस धार्मिक सीरियल में लक्ष्मण का रोल करने वाले हैं, तो आपका रिएक्शन क्या था और कैसे आपको ब्रेक मिला लक्ष्मण के किरदार में, ये भी आपसे जानना चाहेंगे जी। बहुत समय तक तो इस चीज को छुपा के रखा था कि रामायण एक हम से सागर आर्ट रामायण बना रहा है। मुझे उस चीज के लिए सिलेक्ट किया गया था और मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं लक्ष्मण बनने वाला हूँ। और मुझे याद है, मुझे मैं एक्चुअली मैं सिंगर बनाया था मुंबई, और मेरे एक मित्र थे, वो किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने जा रहे थे, वो मुझे अपने साथ लेके गए और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बोला एक्टर हो बने का नहीं तो क्या आप एक्टिंग कर लेंगे। मैंने कहा कर लेंगे, कोशिश करते हैं, और बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने एक ऑडिशन दिया और उसके बाद मुझे कुछ 3-4 दिन बाद कॉल आया कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया। तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं लक्ष्मण के लिए मुझे अप्रोच किया गया है। और उसके बाद फिर मेरा मॉक शूट था गुरबीर के साथ, वो फाइनल हो चुके थे राम के लिए। और जब सारी चीजें क्लियर हुई, मैंने उस दूसरे स्टेप को भी क्रॉस किया, पास किया, तब प्रोड्यूसर के साथ मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे लक्ष्मण के लिए देख रहे हैं और चाहते हैं कि मैं उस शो में लक्ष्मण का किरदार प्ले करूं। और ऑफकोर्स मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बिकॉज छोटे शहर से आप आओ और आपके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। और उस टाइम बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी मेरे ऊपर, खुद को भी प्रूव करना था, काफी लोगों को प्रूव करके दिखाना था। तो और एक्टिंग मेरे लिए एक बहुत बड़ी उससे मेरा कोई दूर दूर तक नाता था नहीं, बिकॉज मैं को सारे कमा पा रही आता था और एक्टिंग मैंने सोची नहीं थी। बट वहां से फिर मेरा एक नया स्ट्रगल शुरू हुआ और काफी कुछ सीखने को मिला। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, क्रिएटिव टीम, मेरे सारे को एक्टर्स, काफी सबने मेरी हेल्प करी और वहां से जर्नी शुरू हुई जी। बहुत ही खास पात्र हैं लक्ष्मण का किरदार आपने निभाया था, इसके लिए क्या कुछ खास तैयारियां की थी आपने? सॉरी, आपका आवाज नहीं आ रही। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो रामायण धार्मिक सीरियल है, करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा है इस रामायण में, और इसके बाद सीरियल बन रहा था, आपने इसमें लक्ष्मण का रोल निभाया था, तो इसके लिए क्या कुछ खास तैयारी की थी आपने इस रोल के लिए? जी अंकित, आपको हमारी आवाज आ रही है? तैयारी जी जी, आप अभी आए जी जी, बोले बोले आप।
यार ये एक तो हमारे सागर आर्ट पहले बना चुके थे, बहुत बड़ा वो बना, कितना बड़ा है, छोटे थे जब वो देखते, और मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी बिकॉज सुनील एरी जी ने वो किरदार इतना बेहतरीन बनाया था कि उसका कोई तोड़ नहीं, और मैंने वो प्रेशर अपने ऊपर नहीं लिया था कि मुझे वैसा मैंने अलग कैरेक्टर आनंद जी जो हमारे प्रोड्यूसर क्रिएटिव टीम उनके साथ बैठ कर काफी कुछ डिस्कशन किया, और फिर धीरे धीरे सीन बाय सीन हमने शुरू की अपनी बॉडी लैंग्वेज पे फीचर्स पे वर्क किया, फिर धीरे धीरे उसके बाद में चलने जी। अंकित, हम साथ में ये भी चाहेंगे कि शूटिंग का माहौल कैसा रहता था ये हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक धार्मिक सीरियल है और आप लोग सब कैरेक्टर में रहते थे, कहीं पे नजर दौड़ाए तो कहीं पर देवोनिना जो देवीना भट्टाचार्य है वो माता सीता के पात्र में है, तो कहीं पर जो गुरमीत चौधरी हैं वो भगवान राम के पात्र में है, और कहीं पर कोई सैनिक खड़ा है तो कहीं कोई राक्षस खड़ा है, तो शूटिंग का माहौल तो ये रहता था, लेकिन अंदर से किस तरह की फीलिंग आती थी, एक नॉर्मल शूटिंग की तरह आप इसको फील करते थे या कुछ एक अलग महसूस होता था, क्योंकि धार्मिक चीज है, सबके लोगों के दिलों से जुड़ी रहती है। जी जी हम तो मतलब 12 घंटे 14 घंटे उसी किरदार में, हम रियल लाइफ में हमारे प्यार था आज भी है, पर उस एक हम उस जिंदगी को जीने लगे। और आप मानिए नहीं, और मैं भाई की तरह ही थे, जब हम पहली बार मिले और पता चला कि दिल्ली का जन्मदिन मुझसे ठीक एक दिन पहले, वो सही में राम और मैं सही में लक्ष्मण था, एक अलग बॉन्डिंग थी हम तीनों की, और वही माहौल हमारे रियल लाइफ में भी हम उसके बाद में इतने खुश रहे थे, हम साथ में एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते थे, एक दूसरे की इतनी केयर करते थे, तो वो एक अलग मैं बताऊं वो डेढ़ साल मैंने मैंने इस रामायण को जिया, मैं तब अंकित नहीं, और एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए जी, मैंने बहुत मैं कह सकती हूँ दिल के करीब अंकित, इसके पहले रमानंद सागर की रामायण भी आ चुकी थी जिसको लोगों का बहुत प्यार मिला था, उसके जो किरदार थे भगवान श्री राम में के पात्र में अरुण गोविल, माता सीता के किरदार में दीपिका जी, और लक्ष्मण जी के किरदार में सुनील लहरी जी थे, तो आप जब ये शूटिंग कर रहे थे आप सभी लोग, तो एक प्रेशर तो जरूर होगा आप लोगों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो सेम और इतना बड़ा रहा, तो आपको प्रेशर तो बहुत था, लेकिन जैसे मैंने बोला प्रोड्यूसर पैनल सब इतनी मेहनत की थी वो देखी स्क्रीन पर, और किसी भी प्रोजेक्ट को कहीं किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट पे इवन कहीं पर चीज चेक हो गई आपकी बात से इजी हो जाए एंड तक टिल एंड बहुत मेहनत की, और कुछ वैसा ही उस चीज को अरुण गोविल जी के, सुनील लहरी जी के, जब वो पब्लिक के बीच में जाते थे तो लोग उनको भगवान की तरह उनको मानते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे और उनको वैसे ही सम्मान देते थे, तो जब आप ये सीरियल कर रहे थे फिर शूटिंग के बाद कभी आप मार्केट कभी जा रहे होते हैं या कभी कहीं बाहर आप पब्लिक प्लेस में जाते थे, तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता था? जी अंकित, नहीं वैसा तो नहीं होता था क्योंकि तब मैं अब लोगों को रील रियल का फर्क पता है, हाँ, लेकिन लोगों की नजरों में लोगों के एक एक रिस्पेक्ट नजर जरूर आती थी, कई बार लोग उनके सेट पे भी नहीं आते थे या कभी आउटडोर शूट कर रहे हैं या कभी इवन
घूमने चले जाते थे या कहीं, कुछ लोगों की नजरों में या लोगों के मिलने के तरीके में जो रिस्पेक्ट थी वो जरूर नजर आती थी, लेकिन मैं बोलूँ की वैसा जी। अंकित, आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आया था जब आप ये किरदार कर रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण जी का किरदार सिर्फ एक किरदार नहीं, एक पात्र नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और ये जिम्मेदारी आप निभा रहे थे। आपके साथ में गुरमीत चौधरी थे जो भगवान श्री राम का रोल कर रहे थे, देविना बनर्जी थी जो माता सीता का रोल कर रही थी, तो एक तरह से एक धार्मिक माहौल तो रहता होगा। तो जब आप ये किरदार निभा रहे थे, भगवान लक्ष्मण के आप किरदार में थे, तो आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आपने महसूस किया पहले और ये सीरियल करते हुए? सबसे पहले तो जो राम या रामायण के बारे में और नजदीकी से जानने का मौका मिला, तो इतनी नॉलेज पहले नहीं थी। और जैसे मैंने बोला, इस किरदार को तो कहीं ना कहीं अंदर से लगता था कि मैं भगवान राम की सीता माता की सेवा कर रहा हूँ और मुझे बहुत सौभाग्य मिला। तो कुश्ती वाला मैं बोलूँ क्योंकि बहुत गुस्से वाले, तो वो किरदार मैंने जैसे बोला कि हम 13-14 घंटे जीने लगे, तो एक वो मुझे आया भगवान राम की तरफ मेरी जो बहुत बढ़ गई, काफी कुछ मुझे रामायण के बारे में ठीक से जानने का मौका जी। अंकित, जब हमको ये पता चला कि आप बचपन में आप भाग गए थे, आप क्योंकि सिंगर बनना चाहते थे, हम इसके ऊपर भी बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि जब क्योंकि आपके घर वाले नहीं चाहते थे कि आप मुंबई जाएं, वो चाहते थे कि आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, और जब आप फिर मुंबई गए और जब ये रोल आपको मिला, लक्ष्मण जी का आपको रोल मिला, और जब आपने घर वालों को बताया होगा कि माँ पिताजी मैं एक धार्मिक सीरियल बन रहा है रामायण, जिसको हम सब बचपन में बैठ के देखा करते थे, रामानंद सागर के रामायण, अब एक फिर से 2008 में एक नया रामायण बन रहा है और उसमें मैं लक्ष्मण का रोल निभा रहा हूँ, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, फिर घर वालों ने क्या कहा आपको? उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, हमारे घर में शुरू से बचपन से मैंने बचपन से वैसे ही संस्कार पाए। और जब उन्हें पता चला और मैंने बताया कि मुझे कोई ठिकाना नहीं, बताया भी था कि भगवान ने अपना रखने का मौका दिया, और अब बस उन्हें प्राउड फील हुआ, बहुत खुशी हुई जी। तो जो नाराजगी जी बचपन से माहौल में देखता था, मेरे करियर की शुरुआत में मुझे ऐसा देख लगा कि जो संस्कार मेरे अंदर थे वो कहीं ना कहीं उसका फल मिला, मैं ही कहूँ भक्ति जी अपने मम्मी पापा को देखा बात करते। तो हमारा तो यही था कि हमने जितना किया उसका यही पहला बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं उस वक्त जो नाराजगी, जब आप घर से भागकर मुंबई चले गए थे, तो जो नाराजगी रही होगी आपके परिवार वालों के अंदर, वो नाराजगी दूर होगी होगी। अब यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आखिर आप घर से क्यों भाग गए थे, जैसा कि मैंने जरूर अभी चर्चा में कहा कि आप मुंबई जाना चाहते थे, तो क्यों आखिर क्यों नौबत ऐसी आ गई कि आपको घर से भागना पड़ा था? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है बच्चा या कुछ बड़ा नाम करे, फील्ड में मन में कोई नहीं, कभी सोचा भी मैं एक अलग से निकल गया और मैंने बोला मुझे सिंगर बनना है। शुरू में उन्होंने थोड़ा सा उनकी लिया कि घर की तो शौक होता है, तो उनको सबको यही लगा कि एक शौक ही होगा, किसी ने और
वहां से मुंबई शहर से, तो वो बहुत बड़ा एक सपना, बहुत ही बड़ी थी मुंबई, और उम्र भी बहुत छोटी थी, तो पहले मनाने की कोशिश करी उनको बताने की, लेकिन वो नहीं माने तो फिर जी कह सकता हूँ मैं टेढ़ी करनी पड़ी जी। बस लेकिन उसके बाद मान गए मेरे ही, मैं उनसे कोई भी नाराज नहीं, नहीं। उनसे उनकी भी कुछ मिले स्थिति कुछ चीज के लिए वो रेडी भी नहीं थे कि मैं ये सब करूं, नहीं रहती उनका साथ नहीं, ऐसी इच्छा थी। तो मैंने बहुत कोशिश करी मोहब्बत बनाने की, वो नहीं माने तो मैं थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ा, बट फिर उन्होंने अपनी नाराजगी दूर कर जी। फिर आखिरकार नाराजगी दूर हुई और आप जो रामायण सीरियल आया था 2008 में, उसमें आपने लक्ष्मण का किरदार निभाया, उसके बाद आपके घर के जो सारे लोग थे बहुत खुश हो गए। लक्ष्मण जी के किरदार में हमने देखा उनके बहुत सारे गुस्से वाले संवाद है, भगवान श्री राम अक्सर उनको कहा करते थे कि अनुज संयम बरतो, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, तो ऐसा माहौल था बिल्कुल। और आप इस तरह के जो संवाद है, अगर आपको रामायण में से कोई संवाद अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। काफी लंबा समय बीत गया जी, कोई भी एक दो लाइन अगर याद नहीं है। हाँ। मैं आपको अपना पहले जो मैंने या एज एन एक्टर पहली बार स्क्रीन पे बोला ठीक और है। मैं इतना नर्वस था एक लाइन के लिए जी। आप यकीन नहीं मानेंगे, तीन दिन उस लाइन पे रहता ही रहा, लाइन थी तीन था हम सब भाई और फैमिली साथ सब बैठ के खाना खा रहे हो, पढ़ाई पूरी कर, तो शत्रुघ्न खीर चुरा देते, शत्रुघ्न का एक बहुत ही संबंध था, तो मेरी लाइन थी देखो मां शत्रुघ्न ने फिर से मेरी की, और ये लाइन बोलने के लिए मतलब मैं मुझे नर्वस रहा। अच्छा। ये लाइन फटाफट हो। हाँ। ये सबसे ज्यादा मेरे ये लाइन देखो मां जी। अंकित, आप पहले सिंगर बनना चाहते थे और आपने सिंगिंग सीखी भी है, तो फिर आप एक्टर कैसे बन गए? और जब आप सिंगर बनने के लिए मुंबई आए थे तो जरूर आपने स्ट्रगल किया होगा, तो वो सिंगर वाला स्ट्रगल कैसा था और फिर कैसे आप एक्टर बन गए, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जी, सपना शुरू से सिंगर बनने का, जैसे कि मैंने बताया मेरे घर में माहौल थोड़ा सा आदमी, तो मेरी जो माता जी है उनको और वो कहीं ना कहीं उनसे मुझे थोड़ा सा है। और उनको मैं भजन याद कराता था तो कभी, और वहीं से मुझे थोड़ा सा गाने का भी था, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई आपको समझ में आता है ये और मेरा स्ट्रगल मुंबई में रहा दूसरे तरीके से रहा, तो मैं बहुत छोटी सी उम्र में यहाँ पर आ गया था और मैं किसी को जानता भी तो मेरे से काफी बड़े फ्रेंड्स 15-16 साल आ तो गया था लेकिन यहाँ कोई था ही नहीं, दोस्त छूट गए घर से, इज्जत से, वो टाइम बहुत था बेटा समझ में नहीं आ रहा था जिंदगी कहाँ लेके जाएगी मेरा। और उसके बाद मुझे याद है घर गया था कि मैं बहुत घर गया तो मुझे रोक लिया गया और फिर वहां से मुझे उनको मनाने में टाइम नहीं लगता, फिर वहां से मैंने बोला ठीक है मुंबई नहीं जाएगा जो भी है आस पास, फिर मैंने अपना सफर आगरा से, आगरा में मैंने बहुत मैंने हर काम किया है वहां पर, उनके पेट भी सोया हूँ, मैंने बाहर में जॉब की है,
म्यूजिक के लिए मैं नहीं बोलूंगा मेरे लिए स्ट्रगल रहा, जस्ट टू सर्वाइव करने स्ट्रगल किया आपने, फिर आखिरकार 2008 में आपको सीरियल मिला रामायण और इसमें आपने लक्ष्मण का रोल निभाया। इसके बाद आपने एक दर्जन से ज्यादा सीरियल्स भी किया आपने, लेकिन इस पर बातचीत करने से पहले हम चाहेंगे, क्योंकि आपने शुरुआत में आप सिंगर बनना चाहते थे, तो एक गाना हो जाए जरा, हम सुनना चाहते हैं कि एक्टिंग तो बहुत दर्शकों ने देखी आपकी, गाना हम सुनना चाहते हैं आपसे। आजकल खुद के लिए गाते हैं जी, जो भी आपका मनपसंद गाना है। अरे मैं दो लाइन को, क्या हुआ है हो नहीं, बात क्या है पता है, मुझसे कोई खटा हो गई, मेरी खता खूबसूरत है तू लुट गया है, आज जी जी अंकित, थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्बेंस है, लेकिन हम ये सुन चुके हैं और जान समझ गए हैं कि जितने अच्छे आप एक्टर हैं उतने अच्छे आप सिंगर भी हैं। हम एक छोटा सा एक शॉट में बस आपसे एक सवाल करेंगे, वो मैं चाहूंगा समय कम है थोड़ा आप जल्दी इसका जवाब दीजिएगा। फिल्म आई थी आपकी स्वीटी वेट्स NRI, इसमें आपने विलेन का रोल किया था, तो फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका, क्योंकि आप लगातार आप सीरियल्स कर रहे थे। जी फिल्म जो है वो मुझे मैं रजिया सुल्तान का डायरेक्टर थे, फिल्म बना रहे थे, मेरे लिए था कि चलो एक नई चीज है ट्राई करते हैं, कॉमेडी जोन है जिस जोन पे मैं कभी गया नहीं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा
फिल्म एक अलग बनने का तरीका बिल्कुल, तो नई चीज सीखने को वहां से अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा फिल्म वर्क नहीं कर पाई, जी अंकित आएगा अच्छा जो। जी अंकित, समय कम है नहीं तो आपसे और बातचीत करते हैं। अंकित बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए और धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बातें सितारों की में आज हमने बात की लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अंकित अरोरा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़।